अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को उप श्रम आयुक्त कार्यालय में बाल श्रम उन्मूलन संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ से श्रम युवा एवं सेवायोजन के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्रम आयुक्त व यूनिसेफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा एवं उप श्रम आयुक्त गोरखपुर अमित कुमार मिश्रा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा कामकाजी बच्चों के माता पिता एवं उनके संबंधित शिक्षकगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल संवाद के क्रम में गोरखपुर क्षेत्र से उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्रा ने अवगत कराया कि नया सवेरा योजना के अंतर्गत जनपद में अभी तक 64 हॉटस्पॉट में सर्वेक्षण कार्य पूरा कराए गए हैं, जिसमें कुल 1661 कामकाजी बाल श्रमिक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 933 कामकाजी बच्चों का पूर्व में ही विद्यालय में नामांकन हो चुका है। उनमें से निर्माण श्रमिक के रूप में पात्र व्यक्ति का उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 429 पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराया जा चुका है। वहीं कामकाजी बच्चे अंगद पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र एवं विजयलक्ष्मी पुत्री राधे श्याम से मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि अपने आसपास कार्य करने वाले बच्चों को उनके कार्य से पृथक कर उन्हें शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को सुदृढ़ एवं अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बनाना है तथा श्रम विभाग की नई सवेरा योजना स्वयंसेवी संस्थाओं ग्राम प्रधान सभासदों के सहयोग से बाल श्रम में काफी हद तक कमी आई है। इस अवसर पर उप श्रम आयुक्त द्वारा पुष्पा देवी, सुगिया पत्नी रामवृक्ष, शबनम खातून पत्नी मुमताज अली, लक्ष्मी देवी को उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत आपदा सहायता योजना के तहत 1-1000 का प्रमाण पत्र दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाल श्रमिक अंगद विजय लक्ष्मी उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्रा ने कहा, कक्षा 9 में है। सर, आपकी कोई आर्थिक सहायता मिली है?
मेरा नाम विजयलक्ष्मी मोहद्दीपुर क्लब सर क्लब बोले थे तुम क्लब कितने में पढ़ती हो हैं, तो मैंने बोल दिया 5 में, तो सर ने मुझे क्लब बोले ठीक है, तो धन्यवाद। और क्या पूछा? और कुछ नहीं पूछा। अंगद मंत्री जी ने बात की आपसे वर्चुअल, क्या बात हुई? वो मेरा नाम पूछे तो मैं अपना नाम बुलाया कि मेरा नाम अंगद है, और कहें कि क्या बाल योजना में जुड़े हैं विक्रम सर और सीताराम है, योजना के बारे में बताएं। कोई जो मिला है 1000 वही बताएंगे। कहाँ कराने वाले हैं आप? सरैया के। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कर रहे हैं? देखिए 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इसमें मेन ये है कि हम समाज को जागरूक करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं समाज में, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हों, चाहे वो श्रम से रिलेटेड हों, चाहे आम जनमानस हों, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे अधिकारीगण हों, उन सबको जागरूक किया जाए कि भाई बाल श्रम जो है ये सामाजिक अभिशाप है, और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि बच्चों को मजदूरी पे ना रखें, और बच्चों को और उनके परिवारों को इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि वो बाल श्रम के जो एक कचड़ा है या उसमें दोबारा वो ना फंसे। माननीय मंत्री जी ने बच्चों से बात की, उनका ये कहना था कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई किसी तरह से ब्रेक ना हो, वो पढ़ें। उनके परिवार के लोगों से भी बात की, और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं विभाग की, उन योजनाओं से जो भी पात्रता की श्रेणी में आवर्त होते हैं उनको हित लाभ दिया जाए। साथ में एक चीज़ और भी, उन्होंने जो इंटर डिपार्टमेंटल जो बाकी अन्य विभाग हैं उन विभागों से एक आवश्यक सहयोग करके सामंजस्य बना के, जैसे हो सकता है कि इन बच्चों का परिवार किसी का राशन कार्ड ना बना हो, हो सकता है बच्चे के यहाँ कुछ और समस्या हो, शौचालय या मकान ना बना हो या कुछ और भी, तो अन्य सारे विभागों से सामंजस्य करके उनकी ये सारी चीज़ें बनवाई जाए जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल पाए। देखिए ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है अमूमन पुलिस विभाग का, वो जितने भी बच्चों को पा रहे हैं चाहे वो रोड पे किसी भी कारण से हो, जैसे हो सकता है वो भिक्षा बुक में संलग्न, हो सकता है कि वो बाल श्रमिक हो या कुछ और, तो वो करते क्या है कि बच्चों के चाहे मुस्कान लाने के लिए उनको उनके परिवार से मिलाना है, कुछ और भी चीज़ें, पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से लगा हुआ है। हम मुख्यतः क्या कर रहे हैं कि जो बाल श्रमिक है 6 से 14 साल के, अगर कोई बच्चा उसमें फंस गया तो BSA साहब को कि भाई इनके बच्चों का नाम लिखे, पूरा ब्लैंकेट बैन है, RTE के तहत आप इनसे काम नहीं करा सकते। 14 से 18 साल के बच्चे अगर खतरनाक प्रक्रिया में, उनको हटाना है, उनके काम के घंटे जो नहीं है, तो वो सारे जो श्रम कानून हैं उन कानूनों का पालन करवाना है।